प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये किसानों की आत्महत्या करने के प्रवृत्त करने के निकष पे जय जवान जय किसान संगठन पहुंची हुई है। जो कोल वाशरी गोंडेगांव के पास में है, ऐसंबा गांव और दूसरा वराड़ा गांव, ये दो गांव के बीच में ये कोल वाशरी है और ये गुप्ता कोल की कोल वाशरी है जो कि ब्लैकलिस्टेड ऑपरेटर था, उसी के इसमें ये सब उल्टा सीधा सब काम कोयले का वहाँ चल रहा है। इसलिए किसानों की पूरी फसल वहाँ खराब हो रही है, जिसके वजह से किसान बहुत परेशान है, किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया है। और महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्ड ये वो कोल वाशरी के ऑपरेटर के तरफ से है, क्योंकि उनसे उनको कुछ देन जाती है। जो एक महीना पहले उन्होंने रिपोर्ट वाशरी बंद करने के लिए बोला था और उसके 10 दिन बाद उन्होंने वाशरी फिर से चालू करने के लिए एक ऑर्डर निकाला, इसमें से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये किसके लिए काम कर रही, इसका ये निष्कर्ष अभी सामने में आया है। हमें तो ऐसा पता भी चला है कि जो गुप्ता कोल वाशरी वाला है, ये इसके सब नेता लोगों से संबंध है, इसलिए ये किसी को डरता नहीं है। ये वो किसानों को धमकाता है और बोलता है कि तुम ये लगाओ, मैं ये सब खरीद लूँगा। अब ये कौन होता है ये हमें पता नहीं, लेकिन जिस दिन जय जवान जय किसान संगठन वहाँ पे गई, उसके बाद में कुछ किसानों को इन्होंने पैसा उनके अकाउंट में डाला, लेकिन 28 तारीख को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर जो कोल वाशरी ऑपरेटर के तरफ से काम कर रहे, उनके ऑफिस को एक उनके ऑफिस में मोर्चा किसान और जय जवान जय किसान संगठन के लोग लेके जाएंगे और उनसे जवाब मांगेंगे कि आपने बंद की हुई वाशरी चालू करने का आदेश कैसा दिया, हमारा जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है ये नुकसान कौन भर के देगा, इसकी भरपाई कौन करेगा, ये सब क्वेश्चन हम उनको करेंगे। तो आने वाले दिनों में कोल वाशरी गांव के लोग और जय जवान जय किसान बंद करेगा, एक बहुत बड़ा आंदोलन वो कोल वाशरी गेट के सामने खड़ा किया जाएगा।